अंग्रेजी एट होम की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जादूगरी की जिसने लिखे हुए में एक्सप्रेशंस डाल दिए, जिसने लिखे हुए में भावनाएं डाल दी, और उस जादूगरी का नाम है पंक्चुएशन, जिसे हिंदी में विराम चिन्ह कहा जाता है। और इस पूरे टॉपिक को हम बड़े आराम से और सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि आज की वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें या तो लिखने का काम पड़ता है या फिर पढ़ने का काम पड़ता है। तो इन दोनों में से आपका कोई भी काम पड़ता हो, आपके लिए पंक्चुएशंस को पढ़ना और उन्हें समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिए, हो सकता है इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया निकल कर आ जाए, हो सकता है आपके लिए कुछ रोचक ऐसी जानकारी निकल कर आए जो अभी तक आपकी नॉलेज में नहीं थी। तो लगा दीजिए आज की क्लास में अपनी अटेंडेंस, प्रेस कर दीजिए लाइक का बटन और बिना बकेती शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइज, आज की वीडियो में शुरू करूं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में जानकारी दे दूं, पंक्चुएशंस की जानकारी होना क्यों जरूरी है। फ्रेंड्स, जब हम किसी बात को बोलते हैं तो बोलते वक्त हम हमारी पिच अप डाउन करते हैं, कहीं पर रुकते हैं, कहीं पर पोज लेते हैं, ज्यादा पोज लेते हैं, कहीं पर कम पोज लेते हैं। इस सब चीजों से, इन सब तरीकों से सामने वाले को हमारा जो भाव है, जो हमारी भावनाएं हैं, वो एक्सप्रेस होती है, यानी कि हम जो बताना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से सामने वाला समझ पाता है। लेकिन जब हम बोलते हैं तब तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन लिखे हुए में भावनाएं डालने का काम जो करते हैं वो पंक्चुएशन मार्क्स करते हैं। सपोज मैं आपको एक लाइन बोलता हूं, जैसे मेरा नाम रमेश है, मैंने ये लाइन बोली तो मैंने कहा मेरा नाम रमेश है। यहां पर मेरे बोलने से आपको पता लगा कि मैं ये बात बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसी बात को इस तरीके से बोलूं, मेरा नाम रमेश है, तो आप समझ जाएंगे कि ये एक सवाल पूछा गया है, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है। ये तो मैंने बोलने में अपना पिच अप डाउन करके या फिर कहीं पर मैंने पोज का यूज करके आपको ये बात एक्सप्रेस करी, लेकिन अगर यही बात लिखी हुई हो तो आपके लिए जज करना मुश्किल हो जाएगा कि कहां पर किस तरीके से बात बोली गई है या फिर उसके पीछे का क्या भाव रहा है। गाइज, अगर सोचिए किसी एक्टर या एक्ट्रेस को अगर पंक्चुएशन मार्क्स की जानकारी ना हो तो क्या कभी वो एक्टिंग कर पाएगा? जी नहीं, कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो एक्टर एक्ट्रेसेस को जो डायलॉग्स लिखे जाते हैं वो दिए हुए पूरे लिखे हुए रहते हैं, यानी पूरे डायलॉग्स लिखे हुए रहते हैं। अब लिखे हुए को पढ़कर ही उन्हें भावनाएं समझनी पड़ती है, कौन सा डायलॉग किस भावना के साथ बोला गया है, तो उस बात की जानकारी उन्हें होना बहुत जरूरी है। आपने, हम सबने कई बार हमारे स्कूल डेज में या फिर अगर आप स्कूल डेज में हैं तो आप प्लेस पढ़ते होंगे, प्लेस पढ़ते वक्त भी जो डायलॉग्स लिखे रहते हैं उनके अंदर पंक्चुएशंस का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप ध्यान दीजिएगा, कई बार कोई जब बच्चे को प्लेस पढ़ने के लिए दिए जाते हैं तो बिल्कुल एक तरीके से पढ़ते हैं पूरी लाइन को, और क्योंकि फिर वो एक जैसा पढ़ते हैं पूरी बात को, तब उस बात को ना तो समझने में आसानी होती है और ना ही उसके पीछे कोई भावना जुड़ती है, और सिंस उसके पीछे कोई भावना नहीं जुड़ती तो उस बात को सुनने का फिर मजा भी नहीं आता और ना पढ़ने का मजा आता है। लेकिन उसी बात को अगर पंक्चुएशंस की जानकारी के साथ अगर हम पढ़ें तो हमारे लिए उसकी भावना समझना बहुत आसान हो जाता है, यानी कि उसकी फीलिंग आ जाती है उसमें। तो वन बाय वन मैं आपको 11 पंक्चुएशंस आज सिखाने वाला हूं, और सारी जो जो यूज हम कर सकते हैं उन पंक्चुएशंस का वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं फटाफट। पहला पंक्चुएशन मार्क है हमारा, जिसे हम कैपिटल लेटर कहते हैं। कैपिटल लेटर पंक्चुएशन कब काम आता है? ये पंक्चुएशन काम आता है जब आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, तब आपको कैपिटल लेटर का यूज करना पड़ता है। और कहां पर ये काम आ सकता है, बिल्कुल मैं आपको इजी वे में बताऊंगा। और कहां पर काम आ सकता है, आपको किसी का नाम लेना है, सपोज किसी कंट्री का नाम, किसी धर्म का नाम, रिलीजन का, किसी भाषा का नाम, किसी लैंग्वेज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम लेना है, किसी टाइटल का नाम लेना है, सपोज मूवी का नाम हो गया, किसी बुक का नाम हो गया, इस टाइप के जितने भी नाम होते हैं या फिर जो वर्ड्स होते हैं उनमें कैपिटल लेटर्स का यूज किया जाता है। और कहां पर यूज कर सकते हैं, जब हम एब्रीविएशंस बनाते हैं किसी वर्ड का, बहुत लंबे चौड़े नाम है, उनको छोटा करके, यानी कि उनका केवल फर्स्ट लेटर हम लिख के और उसको डिनोट करते हैं, पूरी सामने वाला समझ जाता है क्या नाम लिखा हुआ है। सपोज आज की तारीख में WHO, ये नाम बड़ा फेमस हुआ है अभी रिसेंटली, वैसे आप जानते भी होंगे। अब यहां पर WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके केवल स्टार्टिंग लेटर्स हमने लिखे हैं और उनको हमने कैपिटल लेटर्स में लिखा है, यानी कि जब भी हमें एब्रीवेट करना हो किसी लंबे वर्ड को या लंबे नाम को, तो बड़े नाम को एब्रीवेट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स की सहायता से उनके केवल स्टार्टिंग लेटर्स को लिखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कैपिटल लेटर्स का क्या यूज होता है। अगला हमारा जो पंक्चुएशन मार्क आ रहा है वो है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप बड़ा कॉमन है,
एक इसका जो यूज है वो सब जानते हैं, वो यूज है किसी सेंटेंस का एंड। कोई भी सेंटेंस अगर खत्म हो रहा है तो उसे एंड करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे बात कोई करी और वो खत्म करना है, यानी कि वो अब खत्म हो गई, उसके बाद सामने वाले के दिमाग में कोई सवाल ना बचे उसके लिए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं नीमच में रहता हूं, तो ये बात मैंने खत्म करी, मैं नीमच में रहता हूं, आपके माइंड में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं क्रिएट हुआ, तो ये बात यहाँ खत्म हो गई। खत्म होने के बाद हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप यूज करते हैं। तो किसी सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप यूज कर लिया, और कहां यूज कर सकते हैं फुल स्टॉप? हम फुल स्टॉप को यूज करते हैं जब हम किसी वर्ड को एब्रीविएट करते हैं, तो एब्रीविएशन में हर लेटर के बाद आपको ये डॉट लगाना पड़ता है। जैसे हमने WHO लिखा था, तो W के बाद, H के बाद और O के बाद हमने ये फुल स्टॉप का एज ए डॉट यूज किया। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। और कहां यूज होता है इसका? तो जब किसी को कंट्रैक्ट किया जाता है, कंट्रैक्शन जब किया जाता है किसी का, तो कंट्रैक्शन में जैसे आपको प्रोफेसर लिखना है, तो प्रोफेसर ना लिखते हुए आप क्या लिखते हैं, इस तरीके से PROFF और उसके बाद आप ये डॉट लगाते हैं, तो ये कंट्रैक्शन हो गया। ये एब्रीविएट नहीं है, ये कंट्रैक्शन है। आप एड्रेस के लिए पूरा एड्रेस ना लिखते हुए ADD लिख के फिर डॉट लगाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये कंट्रैक्शन हो गया। कंट्रैक्शन के बाद आपको इसका यूज करना है फुल स्टॉप का एज ए डॉट। और कहां पर यूज किया जा सकता है? सपोज आपको जैसे पॉइंट में कोई नंबर बताना है, जैसे आपको पैसे बताने, कोई पैसा रुपीस बताने, कितने रुपीस और कितने पैसे, तो आप उसके बीच में जैसे 12 रुपीस एंड 50 पैसा, तो यहाँ पे बीच में आपने क्या लगाया, एज ए, ये एज ए डेसिमल भी काम आता है, ठीक है, मैथमेटिक्स में मोस्टली डेसिमल के रूप में ही काम आता है। और कहां पर काम आ सकता है? सपोज आपने कोई वेबसाइट देखी, वेबसाइट में आपको तीन पोर्शन मिलते हैं और तीनों पोर्शन के बीच में दो फुल स्टॉप एज ए डॉट लिखे हुए रहते हैं। ये तीन अलग अलग हिस्सा बताता है, यहाँ पर www लिखा रहता है, यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम और यहाँ पे उसका जो डोमेन है, सपोज .com, .net, .in, इस टाइप से आप पीछे लिखा रहता है, तो बीच में सेपरेशन के लिए ये लिखा हुआ था, ईमेल्स में लिखा हुआ था है। तो ये है फुल स्टॉप का यूज, ठीक है। मैं आपको सारे यूजेस बताऊंगा ताकि आप हर जगह इनको यूज कर सकें, समझ सकें। अगला जो पंक्चुएशन मार्क है, ये है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नाम से ही पता चल जाता है, ये किसी भी क्वेश्चन के पीछे लगाया जाता है। व्हाट इज योर नेम, ये व्हाट इज योर नेम, और ये पीछे क्वेश्चन मार्क लगाने से अब इस बात को बोलते वक्त या पढ़ते वक्त हमें वो फीलिंग लानी पड़ेगी क्वेश्चन पूछने वाली, व्हाट इज योर नेम। अब हम इसको व्हाट इज योर नेम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, यानी कि सामने वाले को ये लगे कि हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो लिखे हुए में हमने भावना डाल दी सवाल की, क्वेश्चन की, तो इस तरीके से हमने ये लिखा। तो क्वेश्चन मार्क का तो यही यूज है। इसके बाद हम देखते हैं, ये है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन किस काम आता है? ये या तो सरप्राइज या शॉक, दो तरह की फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, यानी कि आपको ऐसी बात लिखनी है जिसमें सरप्राइज दिखे या शॉक लगे, ठीक है। आप सरप्राइज होते हैं तो आपके मन से कैसे शब्द निकलते हैं, वाओ, अमेजिंग, है ना, वंडरफुल, वेरी गुड, इन सब शब्दों के भावना को जोड़ने के लिए हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना पड़ता है, ठीक है। एक डंडा है और नीचे की तरफ एक डॉट लगी हुई है, तो ये एक्सक्लेमेशन से आप, अच्छा शॉक, ओ माय गॉड, शॉक, आपको शॉक लगा, आप कौन से वर्ड्स बोलेंगे, व्हाट, ये व्हाट के साथ आपने एक शॉकिंग एक्सप्रेशन दिया, साथ में आपने शॉकिंग इफेक्ट इसके अंदर डाला, किस वजह से, जब आपने व्हाट के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, तो यहां पर एक शॉकिंग इफेक्ट ऑटोमेटिक इसमें आ गया। तो ये या तो सरप्राइज शो करता है या फिर शॉक शो करता है, यानी कि किसी बात को लिखते पढ़ते वक्त आपको सरप्राइज और शॉक दोनों दिखाना हो। आगे आते हैं कॉमा, बहुत पॉपुलर है ये, कैसे काम आता है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारे उसमें एलिमेंट आपको एड करना है, उनको सेपरेट करना है। सपोज आप एक बैग लेके आते हैं घर में, बैग के अंदर आप बताते हैं कि मेरे बैग में आज क्या क्या है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, तो आप कहते हैं मेरे बैग में मैंगोज हैं और ऑरेंजेस हैं और ग्रेप्स हैं और पपाया है, इस तरीके से बहुत सारे नाम आ गए इसमें, बहुत सारी चीजें आ गई, तो उनको सेपरेट करने के लिए, मैंगो से अलग ऑरेंज है, ऑरेंज से अलग ग्रेप्स है, ग्रेप्स से अलग पपाया है, तो ये सारी चीजों को अलग अलग करने के लिए हमने कॉमा का यूज किया। और कहां पर,
जब हम वोकेटिव नाउन का यूज करते हैं यानी किसी नाम को लेकर फिर उससे रिलेटेड कोई बात करते हैं, जैसे राजू कम हियर, यानी राजू को एक सेपरेटली हमने पोज दिया, अलग से उसको एम्फेसाइज किया, उसके बाद हमने उससे रिलेटेड कोई बात बोली, तो इस राजू के बाद हमने कॉमा लगाया ताकि इसके बाद हम एक पोज ले सके, थोड़ा सा रुक सके, यानी इसका पोज लेने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं, छोटा पोज। ये पोज कहां हो सकता है, कंडीशनल सेंटेंसेस के बीच में हो सकता है, आपने देखा होगा एक तरफ इफ से लिखा हुआ या फिर वेन से लिखा हुआ एक सेंटेंस रहता है, देन रिजल्ट रहता है ना, एक कंडीशनल सेंटेंस रहता है, एक रिजल्ट रहता है, इन दोनों के बीच में आप कॉमा लगाते हो। इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बिल्ट अ हाउस। ये दो सेंटेंसेस को मैंने सेपरेट किया, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं अभी तक तो एक घर बना चुका होता, ठीक है। तो इस तरीके से आप दो कंडीशनल सेंटेंसेस के दो सेंटेंसेस को अलग करने के लिए, उनमें सेपरेशन दिखाने के लिए आप अगेन यहां पर भी ये पॉज का ही काम करता है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो पंक्चुएशन मार्क आता है वो है अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी का यूज कहां होता है, अपोस्ट्रॉफी का भी बहुत सारी जगह यूज होता है, जैसे हम देखते हैं आपको बहुत सारे लेटर्स कॉमिट करने पड़ते हैं, जैसे आजकल तो बहुत फैशन में है ये चीज, जैसे मुझे कहना है आई विल, अब इस आई विल को मैं आजकल क्या लिखता हूं, आई आई, अब मैं यहां पर ये पोर्शन को ऑमिट कर रहा हूं, गायब कर रहा हूं उसको, तो मैंने उसको दिखाने के लिए यहां पे ये अपोस्ट्रॉफी लगा दिया, जैसे यू हैव, यू हैव, इसको कैसे लिख सकते हैं हम अपोस्ट्रॉफ का यूज करके, यू और वी, ये अपोस्ट्रॉफ लगा के हमने यूज कर लिया इसको। इस तरीके से आप लेटर्स को ऑमिट करने के लिए अपोस्ट्रॉफ का यूज कर सकते हैं। और कहां पर यूज कर सकते हैं, इसका एक और यूज होता है जब आप किसी लिविंग नाउन का, लिविंग थिंग का आप पोजेशन बताते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, इसमें ज्यादा जरूरी है वो लिविंग थिंग हो, जैसे कि मैं कहता हूं मंकी की टांग, एक बंदर की टांग मुझे बताना है, बंदर का उसकी टांग के ऊपर पोजेशन, तो मैं क्या कहूंगा, मंकीज लेग, ये मंकी की टांग बताने के लिए मैंने अपोस्ट्रॉफ एस का यूज किया। इस तरीके से आप सिंगुलर लिविंग नाउन जो भी हो उसका पोजेशन बता सकते हैं अपोस्ट्रॉफ एस का यूज करके। एक और तरीके से अगर यहां पे प्लूरल नाउन आ जाए तो फिर आप जो अपोस्ट्रॉफ है वो एस के बाद लगाते हैं, जैसे जैसे प्लेयर्स का रूम, प्लेयर्स और फिर इसके बाद अपोस्ट्रॉफ लगा के लिखेंगे रूम, प्लेयर्स रूम, ये सिंगुलर के साथ एस से पहले अपोस्ट्रॉफ आता है और प्लूरल के केस में आपको एस के बाद अपोस्ट्रॉफ लगाना है, ये इस तरीके से आप अपोस्ट्रॉफ का यूज करते हैं। और देखते हैं कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स। हमारा अगला पंक्चुएशन मार्क है कॉलन। कॉलन इसमें ये दो डॉट्स होती है, इसका यूज तब करते हैं जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर देते हैं उसके बाद उससे जुड़ी हुई बहुत सारी लिस्ट नीचे हो, बहुत सारी चीजों का नाम नीचे हो, इस तरीके की जब बात करनी हो तो आप कॉलन का यूज करते हैं। सपोज आप क्वेश्चन पेपर जब पढ़ते हैं एग्जाम में तो वहां लिखा रहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इसके बाद यहां पर कॉलन होता है, उसके बाद क्वेश्चंस की लिस्ट शुरू हो जाती है, क्वेश्चन वन, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीचे आ जाते हैं। सपोज आप किसी रेसिपी को नोट कर रहे हैं, अब हम लिखते हैं द इंग्रेडिएंट्स वी रिक्वायर्ड फॉर दिस रेसिपी, और उसके बाद हम नीचे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए हम उसका नाम लिखते हैं नीचे की तरफ, तो हम इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड के आगे फिर कॉलन लगाएंगे क्योंकि उसके नीचे फिर लिस्ट आने वाली है। तो जब आपको सेम चीजों को लिस्ट डाउन करना हो कभी भी तो आप कॉलन का यूज करें। इसका एक और रूप है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का यूज बिल्कुल अलग है उससे, ये एक तरीके का कॉमे का ही काम करता है, ठीक है, लेकिन ये कुछ चीजों को सेपरेट करता है, जैसे सेंटेंस को सेपरेट करना है ना, तो सेपरेट करने के लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। सपोज माया रॉट मी अ लेटर, उसके बाद मैं लगाता हूं यहां पे सेमी कॉलन, इट वॉज ब्यूटीफुली रिटन,
यहां पर मैंने एक लेटर की बात करी जो माया ने लिखा, अब वही लेटर की बात मैं और लिख रहा हूं कि इट वॉज ब्यूटिफुली रिटन, वो बहुत खूबसूरती से लिखा हुआ लेटर था। तो यहां पर दो सेपरेट सेंटेंसेस हैं लेकिन दोनों का कुछ ना कुछ कनेक्शन है, लेकिन मैं उनका उनको सेपरेट करना चाहता हूं, तो मैं सेमी कॉलन से उसको सेपरेट कर सकता हूं। इस तरीके से आप सेमी कॉलन का यूज कर सकते हैं। ये होता है हाइफन, ये डैश से थोड़ा छोटा होता है, डैश थोड़ा बड़ा होता है, डैश का छोटा भाई है ये छोटा होता है यानी कि। तो यहां पर ये जो हाइफन है किस लिए यूज आता है, ये कंपाउंड वर्ड्स को लिखने के लिए काम आता है। जैसा आपको कहना है नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप, इन दोनों के बीच में आपने हाइफन लगाया, छोटा डैश ये कह सकते हैं। इस तरीके से कंपाउंड वर्ड्स है ना, जैसा आपको लिखना है वॉशरमैन, तो वॉशरमैन के बीच में आपने हाइफन लगाया। कंपाउंड वर्ड्स को बनाने के लिए हाइफन का यूज किया जाता है। इससे थोड़ा सा लंबाई बढ़ा दें तो वो बन जाता है डैश। डैश का क्या यूज होता है, जैसे आप प्लेस पढ़ते हैं उसके सबसे पहले स्टार्टिंग में उसके जितने भी कैरेक्टर्स उनका इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन देने के लिए एक नाम लिखते हैं, जैसे राकेश कौन है इस प्ले में, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, तो राकेश के बाद डैश लगाएंगे फिर उसका इंट्रोडक्शन देंगे। वहां पर जैसे माया कौन है तो माया लिखेंगे उसके बाद डैश लगाएंगे फिर उसका इंट्रोडक्शन देंगे। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको कहा था कॉलन के बाद जो लिस्ट आती है, तो आप लिस्ट के पहले भी हर लिस्ट में हर जो एक एंटिटी है उसकी उनसे पहले आप डैश लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर एक नाम के साथ उसका डायलॉग लिखना है, यानी कि जैसे राकेश ने क्या कहा, तो राकेश के बाद ये प्ले के अंदर हमने देखा है कि राकेश लिखा उसके बाद डैश है और फिर उसका डायलॉग आ जाता है, तो इस डायलॉग को किसने कहा उससे पहले जो नाम है उसके आगे डैश लगा दिया ताकि ये कहा किसने इस बात का पता चल जाए, तो ये काम होता है डैश का। आज का हमारा आखिरी पंचुएशन है वो है कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, ठीक है। तो जो कोटेशन मार्क है ये कब काम आता है, तो गाइस जैसे हम कुछ लिख रहे हैं उसमें जितनी भी बातें हैं वो हमारी है, हमने लिखी हमारी इच्छा से, लेकिन मैं लिखते लिखते किसी और की बात को यहां पर ऐड करना चाहता हूं, है ना। सपोज मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ लिख रहा हूं, अब मैं उसी बात में सारी जो अपनी बातें लिख रहा हूं उसमें किसी एक दूसरे पॉलिटिशियन की बात ऐड करना चाहता हूं कि उसने इस मैटर में क्या कहा हुआ है, तो जब मैं उसकी बात हूबहू लिखूंगा उसके बिल्कुल जैसा उसने कहा वैसा ही, तो मैं उसकी बात के आसपास कोटेशन मार्क्स लगाऊंगा, यानी जहां से उसकी बात स्टार्ट होगी वहां पर ऐसा लिखूंगा और उसकी पूरी बात उसने जो भी उसी के अक्षरों में उसी की लैंग्वेज में पूरा का पूरा लिख के फिर मैं यहां पे उसे अनकोट करूंगा। यहां पे हम कोट शुरू करेंगे और यहां पर अनकोट कर देंगे उसे। इस तरीके से कोटेशन मार्क का यूज होता है। आप डायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं, डायरेक्ट स्पीच का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति है कोई बात कहता है जैसे राजू सेड, फिर हम कॉमा लगाते हैं और यहां से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके राजू ने क्या कहा वो हम लिखते हैं, है ना, आई लाइक यू या आई लाइक योर लैंग्वेज, राजू ने ये बात कही, आई लाइक योर लैंग्वेज, या ना यहां पर जो आई है ये राजू है क्योंकि वो अपने लिए बोल रहा है, उसने जैसा कहा वैसा का वैसा हमने यहां पर लिख दिया। तो जब हम किसी को कोट करते हैं यानी कि हम किसी और की बात अपनी बात में रखते हैं तब कोटेशन मार्क का यूज करते हैं। तो आज मैंने आपको 11 पंचुएशन मार्क सिखाए हैं जिनकी कम से कम जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है, और एक बार इनको समझ लें उसके बाद किसी भी चीज को पढ़ने का मजा कुछ और ही आता है। आप कर देखिए आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा, आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। कई बार बहुत से लोगों को पढ़ने का मजा नहीं आता है, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, उसका रीजन यही होता है उसको उस तरीके से पढ़ना पड़ता है जिस तरीके से लिखा गया है या जो एक्सप्रेशन उसमें डाले गए हैं उन एक्सप्रेशन के साथ पढ़ना पड़ता है। तो इसमें पंचुएशन मार्क्स का बहुत बड़ा रोल है। तो आई होप आपको ये पंचुएशन मार्क्स की वीडियो पूरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, फ्रेंड्स कलीग्स क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल अंग्रेजी एट होम से जुड़े रहने के लिए अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि हम कंटिन्यूस पर इंग्लिश से जुड़े हुए अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहेंगे।